क्या आप दोस्तों न्यू यूट्यूबर हैं और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर गूगल पर खोज रहे हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो एडिटेड सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। दोस्तों मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम न्यू यूजर होते हैं, उनको थोड़ा चलाने में हमें कठिनाई होती है, उनकी सेटिंग समझने में, उनकी ये सारी प्रॉब्लम समझने में। तो दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण जो न्यू यूट्यूबर हैं और वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सिंपल एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डालना है आपको मिनी टूल मूवी मेकर। जैसे ही आप दोस्तों गूगल पर ये डालेंगे, इसके बाद आपके सामने ये पहला जो लिंक आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको दोस्तों सिंपल सा हम डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस रहेगा। मीडिया ट्रांसमिशन इफेक्ट टैक्स और माय एल्बम वीडियोज म्यूजिक पिक्चर, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और सिंपल तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, जिस फाइल को हमें बनाना है सबसे पहले उस फाइल को हम ले लेते हैं। कोई भी आप यहाँ से एक वीडियो चूज कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए दो वीडियो यहाँ से चूज कर लेता हूँ, वन ये और ये। हमने ये चूज किया, इसके बाद यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारे दोनों वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों इनको यहाँ पर सिंपल सा माउस का ड्रैग करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से दोस्तों अब हमें इस सपोज दैट इस पार्ट को हमें थोड़ा सा डिलीट करना है, तो हम यहाँ से इसको चला के भी यहाँ से प्ले कर सकते हैं। और प्ले करने के बाद जितना पार्ट हमें काटना है, तो यहाँ से दोस्तों ये जो निशान आ रहा है, स्लिप्ट लिखा हुआ है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये पार्ट हमारा अलग हो चुका है। अब हम इस पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो माउस का राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद डिलीट का बटन दबाएंगे। तरीके से ये हमारा पार्ट डिलीट हो गया। सपोज दैट यहाँ पर हमें कोई इफेक्ट जोड़ना है, तो यहाँ पर हम स्लिप्ट करेंगे और इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से सपोज दैट मुझे ओनली इतने पर इफेक्ट जोड़ना है, तो यहाँ से भी हम इसको स्लिप्ट कर देते हैं। और इतने सारे इफेक्ट हैं, आप यहाँ से ऑल इफेक्ट 24 हैं, आर्टिस्ट हैं, यहाँ पर ये इफेक्ट हैं, इनको आप चूज करके लगा सकते हैं। चलिए कोई भी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर सपोज दैट मुझे ये क्लाउड ये वाला इफेक्ट यहाँ पर लगाना है, तो पहले दोस्तों इस कर्सर को हमें यहाँ पर लाना होगा। इस कर्सर के लाने के बाद यहाँ से माउस का ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसके बाद यहाँ से इसको खींच के यहाँ पर रख देंगे। अब ये देखिए दोस्तों हमारा इफेक्ट चेंज हो चुका है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों कोई भी और इफेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर ये इफेक्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हमें जल्दी समझ में आएगा। ये दोस्तों अभी ये इफेक्ट हमारा अभी नहीं ऐड हुआ है, हम फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर अब ये हमारा इफेक्ट ऐड हो चुका है, ये देखिए दोस्तों इफेक्ट में वाइट है, तो यहाँ पर वाइट हो चुका है। इस तरीके से आप इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर अगर हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है सपोज दैट, तो हम टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कोई भी एक टेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर 24 हाल जो है 45 हैं और ये सारी कैटेगरीज हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। उसके बाद हम किसी भी इफेक्ट टेक्स्ट को यहाँ से ले लेते हैं। हम वीडियो को भी टाइटल में लगा सकते हैं इस तरीके से। सपोज दैट मुझे ये लेना है, तो यहाँ से हम इसको माउस का ड्रैग करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इसको कर्सर घुला के छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा ये पार्ट यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट आ रहा है, तो टेक्स्ट में हम जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ से दे सकते हैं। चलिए मैं अपना नाम यहाँ पर दे देता हूँ। इसका दोस्तों यहाँ से हम लेफ्ट एंड राइट साइड कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें करना हो। इस तरीके से इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए। इटैलिक करना है, इसका कलर भी आप कर सकते हैं, जो भी आप कलर करना चाहते हैं। चलिए मैंने इसका थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से आप ब्लैक कलर कर सकते हैं। इसके बाद इसका दोस्तों थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, और दोस्तों इसका साइज अगर आपको बढ़ाना है, अभी ये देखिए दोस्तों दूसरी बार ये ऐड हो गया। अभी मुझे दोस्तों इसी के बारे में बताना है, यहाँ से आप इसको लंबा घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से दोस्तों इसका फॉन्ट के स्टाइल हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो स्टाइल यहाँ से आप
चूज करके लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल हैं, 48 स्टाइल पड़े हुए हैं, जो भी आप स्टाइल लगाना चाहते हैं वो स्टाइल आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये होने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए सिंपल सा। अब दोस्तों हम वीडियो को प्ले करते हैं यहाँ से। अब ये देखिए दोस्तों हमारा ये स्टाइल यहाँ पर, ये इस पार्ट में हमने नहीं लिखा है, आप एडिट करके लिख सकते हैं। अगर दोस्तों हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, सपोज दैट ओनली सिंपल टेक्स ही चाहिए, तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से सपोज दैट मुझे ये टेक्स चाहिए, तो मैं यहाँ से माउस का ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए टेक्स हमारे सामने आ चुका है। टाइटल में हम कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पर हम अपना नाम दे देंगे। इसके बाद इसका कलर जो है हम ब्लैक कर देते हैं, इसका बोल्ड ये इटैलिक जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कोई हमने ऑडियो बनाया वहाँ पर हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, हमें लिख के बताना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख के बता सकते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे ही वीडियो को प्ले करूँगा तो वीडियो के साथ में मेरा टेक्स्ट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। यहाँ से आप ट्रांसमिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। चलिए कोई भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से जैसे हमें ये इफेक्ट लगा, ये ट्रांसमिशन लगाना, तो यहाँ से हम इसको ये करेंगे और खाली जगह पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर देंगे। अब जैसे मैंने ये दो इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, अब दोस्तों मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ ये इफेक्ट हमारे किस तरीके से काम करते हैं। कोई भी ले सकता है, बस उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके। अब ये तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पता है अगर मेरी आपके काम आ जाती है। अब ये देखिए दोस्तों हमारा ट्रांसमिशन कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर आल 98 है और एडवांस में 49 है। डायग्नोलिसिस है, आयरस है, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहां से लगा सकते हैं। अगर कोई पार्ट आपको हटाना है तो यहां से आप उसको अनटू भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सिंपल है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। खासकर जो न्यू यूट्यूबर हैं और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बिल्कुल आसानी से बिना किसी की मदद से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ से हम फाइल को इंपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट लिखा है, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस फाइल को दोस्तों हमें कहाँ पर चूज करना है, सेव योर टूल्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप डॉक्यूमेंटेशन चुन सकते हैं, जहाँ पर इस टूल को यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं फाइल का, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। इसके बाद इसका जो साइज है आपका सेटिंग में साइज भी रेगुलेशन आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। इसके बाद फ़ोन और डिवाइस ये आप लगा सकते हैं, जो जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं। इसका साइज जो रहेगा 365 MB का। इस प्रकार से आपको सारी ड्यूरेशन या टाइम ड्यूरेशन भी दिया है, सारी चीज़ें आपको MP4 में ये फॉर्मेट बना हुआ है। ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। इस तरीके से सिंपल तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों और किसी अगर पार्ट को हमें ऐड करना है तो हम दोस्तों ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा हमारा सा छूट गया है। यहाँ पर आल पर जाते हैं, हमारी इस फाइल को सपोज दैट हमें ऐड करना है, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा कोई भी, और यहाँ पर हम ट्रांसमिशन के लिए मैंने बता ही दिया है कि आपको ट्रांसमिशन किस प्रकार से लगाना है। इसके बाद फाइल को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और अधिक हमारे वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू। नमस्कार।